गणतंत्र दिवस की परेड में अंडर ऑफिसर के रूप में शामिल हुई शालू मिश्रा का वापस लौटने पर अमेठी रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। रेलवे स्टेशन अमेठी पर जैसे ही शालू ट्रेन से उतरी, एनसीसी के कैडेट तथा एनसीसी के लेफ्टिनेंट उमेश सिंह ने, उसके परिजन व क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ ही कॉलेज के प्राचार्य ने माला पहनाकर स्वागत किया। शालू को एनसीसी के कैडेट प्रधानाचार्य सभी लोग रेलवे स्टेशन से पैदल ही शोभा यात्रा निकाल करके उसके कमरे तक पहुंचाया। शालू के पिता अशोक मिश्रा व माता बिंदु ने कहा कि बेटी ने नाम रोशन किया है, अमेठी का गौरव बढ़ा है। एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी धनंजय सिंह ने शालू कहा कि शालू छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। लेफ्टिनेंट उमेश सिंह ने कहा, शालू के चलते महाविद्यालय का नाम रोशन हुआ है। प्राचार्य ओपी त्रिपाठी ने कहा कि शालू ने सिद्ध कर दिया है कि बिना साधनों के भी उच्च शिखर तक पहुंचा जा सकता है। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। 73वें गणतंत्र दिवस में आप परेड से आज वापस आई, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे एनओ सर की वजह से मिली, उन्होंने हरदम मुझे मोटिवेट किया है। और जब भी मैं एनसीसी में आती थी तब ये हरदम सर हमेशा मोटिवेट करते थे कि 26 जनवरी की परेड में उनको पार्टिसिपेट करना है। सो आज जो भी हूँ सब ऐसे में आज आप वापस आई हैं। अमेठी की जो लड़कियाँ हैं, छात्राएं हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? सर, मैं अपने जूनियर्स को यही कहूँगी कि RDC इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। अगर किसी भी कैडेट को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको कभी भी गिवअप नहीं करना चाहिए। और RDC में जाने से हमें बहुत सारा बेनिफिट होता है, जैसे हमें पेशेंस, टाइम मैनेजमेंट, आप अपने आप को किसी भी कंडीशन में कैसे बैलेंस करते हो, आप कैसे आपको तुरंत रिएक्शन होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो मैं यही कहूँगी, हाँ सर, जैसे एक किसी भी सफलता के पीछे किसी एक का हाथ नहीं होता, ऐसे मेरे एनओ सर, मेरे प्रिंसिपल सर, मेरे माता पिता, मेरे सारे सीनियर्स, मेरे सारे एनसीसी कैडेट, टीचर्स, इस कॉलेज के बहुत लोगों का हाथ रहा है सफलता में।